आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान मदनलाल यादव और मंजू देवी यादव ने यज्ञ वेदी पर उपस्थित होकर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्मा आचार्य सुशील आर्य ने पवित्र पावन वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती और रवि पोडवाल ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी यज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर अश्विनी डोगरा, ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और उनके दुष्कर्मों के कारण उन्हें मनुष्य जन्म के पश्चात भी न जाने कितनी कितनी योनियों में भटकना पड़ता है। तो एक छोटी सी कथा मैं कहकर आपको धर्म के प्रति प्रेरित करने का प्रयास करूंगा। एक राजा थे, प्राचीन समय की बात है। राजा बड़ा ही बलशाली था, बहुत बड़ी सेना थी उसके पास, धन ऐश्वर्य, बहुत संपन्न राजा था, उसका राष्ट्र भी अच्छा था। राजा बड़ा अहंकारी था, कपटी था, अपने बल पौरुष का उसे बड़ा अहंकार था। वह समझता था कि मुझसे बड़ा कोई राजा नहीं, मेरे ऐश्वर्य से बड़ा किसी का ऐश्वर्य नहीं, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। हर दृष्टि से वो अपने आप को सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ मानता था। अहंकार के कारण वो किसी को समझता नहीं था। यहाँ तक कि उसके जो मंत्री थे, उसके जो परिवार के सदस्य थे, उनकी जो रानियाँ थी या उनके जो पुत्र थे, पुत्रियाँ थी, वो भी राजा का डर के मारे सम्मान करते थे, क्योंकि राजा बड़ा निशंस था, बड़ा आतंकवादी था। और वो जहाँ भी जाता, जहाँ भी सेना लेकर जाता, वहाँ पर वो विध्वंस करता था। बड़े साम्राज्य उसने जीते, बहुत रक्तपात किया, और उसे लगा कि मैं एक दिन सारी पृथ्वी का शासक बनूंगा। कहते हैं कि एक बार वो वन में शिकार खेलने के लिए गया, शिकार खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गया और वहाँ तक भटकता भटकता जंगल के काफ़ी भीतर तक चला गया। सेना पीछे रह गई, केवल उसका एक मंत्री ही उसके साथ था। उसने कहा कि महाराज, लगता है कि हम भटक गए हैं, तो हमें वापस इसी रास्ते से वापस ले जाना चाहिए। लेकिन राजा बड़ा एक तरह से उत्साही था, उसने कहा कि नहीं, मुझे और दूर तक जाना है। लेकिन भटकते भटकते ऐसी स्थिति आ गई कि उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जो है दिखाई नहीं दिया, बंद हो गया। जखम भर गए हैं, निशान बाकी है। जखम भर गए हैं, निशान बाकी है। आग बुझ तो गई है, धुआं भी बाकी है। आग बुझ गई तो है, धुआं भी बाकी है। जखम भर गए हैं, निशान भी बाकी है। यहाँ पर पिछले जब आजादी के समय में भी आर्य समाज ने ही जो क्रांतिकारी पैदा किए, श्री राजा भगत सिंह के चाचा जो थे, वो आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक थे। राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, जिन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पढ़कर ही इस क्रांति के आंदोलन में कूद पड़े थे। आर्य समाज अध्यात्म के साथ साथ एक हमारे राष्ट्रवाद की बात भी करता है।
ठीक है, राष्ट्रवाद की बात में हम किसी के दूसरों को हम अपनी बात करें, अपना विशेष रखें, अपने को नीचा मत कराएं कभी। ये जो हम ये कह करके हमें वो हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसके कह करके हमें अपने आप को दिखाना है हम क्या है। हिंदू शेर है, शेर जीतेगा, वो समय नहीं है। आज उस महान व्यक्तित्व का जन्मदिन है, क्योंकि हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी आज हमने उनके जन्मदिवस पर विशेष उपलब्धि भी प्रदान की।